दे दो। अरे बताओ भैया 91 करोड़ रुपए की है कितने की है, जोर से बोल के बताओ, दोनों हाथ उठाकर बताओ, बताओ तुम खुश हो कि नहीं? ताली तो बजाओ, तभी तो मामा से और कुछ मिलेगा भैया। 76 गांव में जा रहा है भाई साहब। तुमड़ा जो हमारा लास्ट बॉर्डर का गांव है, तुमड़ा है, रतनपुर है, पाटनिया है, खोरी है, बरखेड़ा सालम है, ईंटखेड़ी है, फंदा है, खजूरी है, कैलाश है, टीला खेड़ी है, लखापुर है, मुगालिया छाप है, रातीबड़ है, बावड़िया जो है खुर्द है, हमारा रतनपुर है, इधर आ जाइए तो सरवर है, आमला है, बड़झिरी है, और उधर भी चले जाइए कुलार के उस तरफ 76 गांव है। कितने गांव? लगभग 27,000 घरों में नल कनेक्शन आएगा। कितने में? ये मामा को दर्द था समय, मामा जी बोलते थे मेरी बहनों की कईयों की कमर टूट गई, कईयों बहनों का सर दर्द होता है, किलोमीटर से वो पानी ढोकर लाती हैं। मैं मामा अगर उनका सच्चा भाई हूं तो एक दिन मैं पानी ढोने से उनको रोक दूंगा, अगर मेरे घर में नल आता है तो मैं गांव में भी नल दूंगा। ये वादा है, ये वादा हमारे मुख्यमंत्री जी ने निभाया। आज हम 91 करोड़ रुपए की पेयजल स्कीम पर यहां काम कर रहे हैं। आज हम 40 करोड़ रुपए की सड़क का भूमि पूजन कर रहे हैं। भाई साहब आपने बहुत गुंडों के नकेल डाली, बताओ मामा से ज्यादा सीधा सज्जन आदमी है कोई? अरे ढंग से बताओ, है तो है, हाँ करो, है कोई? लेकिन दुश्मनों को मामा से ज्यादा कठोर आदमी देखा है क्या? भाई साहब ये वही जगह है जो दिग्विजय सिंह मेरे यहां रामधुन करने आ रहे थे, इसी जगह पर हमने दिग्विजय सिंह के गुंडे को चैलेंज करते हुए कहा था जमीन तुम्हारे बाप की नहीं है, जमीन शिवराज की सरकार की है, गरीबों को अगर बांटेंगे तो शिवराज जी बांटेंगे, हमने खाली करी तो दिग्विजय सिंह के पेट में दर्द हुआ, मैं रामधुन करूंगा। हमने कहा रामधुन करोगे तो चलेगा वरना धुन होगी, रामधुन करोगे तो चलेगा वरना। मैंने हलवा पूड़ी बनवाया ही नहीं, वो आए कि नहीं आए, पर आज मामा शिवराज भूमि पूजन करने आए हैं जिसमें गरीबों के मकान बनेंगे, मध्यम वर्गियों के मकान बनेंगे, और उन मकानों में हमारा गरीब मजदूर, भोपाल में आश्रय लेने के लिए आने वाला बाहर का आदमी जिसका भोपाल में जगह नहीं है, भोपाल में रहने का नहीं है, किराए में रहता है, उसे सस्ते सुंदर मकान बनाकर नगर निगम देगी। हमारा जिला प्रशासन मुस्तैद है, हमारे कलेक्टर सकल से जितने भोले देखते हैं, लेकिन जब कानून का इशारा हो जाता है तो उतना कठोर रूप भी धारण करके वो आपकी और हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारा नगर निगम प्रशासन पीडब्ल्यूडी को अभी हमने एक चैलेंज दिया कि हमें जुलाई तक एक रोड बनाना है, 6 लेन रोड जो कुलार का वो बन रहा है, दूसरा चैलेंज पीडब्ल्यूडी को फिर देंगे। ये रोड भी भाई साहब हम जून तक बनाकर तैयार कर देंगे। अरे ढंग से ताली बजाओ कोई, ऐसे जून में रोड बनते, एकदम बन रहा है, और बन क्यों हो रहा है? बन रहा है तो हमारे मामा शिवराज सिंह के कारण तो बन रहा है, उनके सहायता के कारण। कभी तुमने देखे थे ऐसी लाइट जलती हुई? खम्भे देखो, मुझे मत देखो, ये खम्भे जिन पे लाइट लगी है, एक दिन वो भी आएगा, 2-5 साल रुक जाओ, मोदी जी को 24 में एक बार फिर दिल्ली भेज दो, मामा को 23 में फिर मध्य प्रदेश में ला दो। मेरा वादा है जो सड़क तुम नीलवण में देख रहे हो वो सड़क तुमड़ा में भी होगी, वो सड़क हर गांव में होगी, ऐसी लाइट जलेंगी। यहां पर 50 से 60 कॉलोनियां हैं भाई साहब, कई किसानों ने खेतों में छोटे छोटे प्लाट बांट दिए, 500-500 लोगों रुपए स्क्वायर फीट के प्लाट पे लोगों ने मकान बनाए, पीने का पानी नहीं है, सीवेज नहीं है। आपके आशीर्वाद से नगर निगम ने पिछले दौरान हमने यहाँ पर 100 करोड़ रुपए का पानी और सीवेज में काम किया है, लेकिन 50 कॉलोनी में कुछ ऐसे बिजली के कनेक्शन हैं जो थोड़े महंगे भी हैं और अस्थायी भी हैं,
ये कॉलोनी वाले चाहते हैं आपका आशीर्वाद मिल जाए और स्थायी बिजली कनेक्शन उनको भी मिल जाए। बताओ चाहते हो कि नहीं स्थायी बिजली कनेक्शन? अरे बैठ के ही बोल दिया करो, खड़े होने की जरूरत क्या है। मामा तो आपके दर्द को समझते हैं और अभी उनने बोला भी है रतलाम में कि हम कॉलोनियों में और सरलीकरण करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप इन खेतों में रहने वाले गरीब मजदूर किसान मध्यम गरीब परिवारों के बिजली का सरलीकरण करके उनको सस्ते दामों पर स्थायी बिजली कनेक्शन मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आपने हमें बहुत दिया, क्या क्या मांगे? अभी तो हमारे काम टेंडरों में, अब तो बिना मांगे ही हमारे पास इतना पैसा है कि अभी आपको और 400-500 करोड़ का भूमि पूजन और करना है। ताली बजाओ भैया। अभी तो हम दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वहां भी हमारी 57 करोड़ रुपए की पेयजल स्कीम है, सूखी सिमरिया में टेंडर हो चुके, स्वीकृत हो चुके, वहां भी आपको नरियल फोड़ना है, वहां भी हमारी तैयारी है। कुछ दिन बाद संत हृदयराम नगर बैरागढ़ में भी हम जो है लेविटेड कॉरिडोर बनाएंगे, डबल डेकर रोड बनाएंगे, वो भी 162 करोड़ रुपए का, वहां भी हमारी तैयारी है। हुजूर विकास में नंबर वन रहेगा, पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे साथ हमारे लाडले नेता, हमारे जनप्रिय नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और जो गरीबों के लिए पक्का मकान बनवा कर दे रहे हैं ऐसे नरेंद्र मोदी हैं। बताओ मोदी जी अच्छे नेता हैं कि नहीं? अरे ताली आली बजाओ अपने, मोदी जी है भैया। और मोदी जी गरीब का पक्का मकान भी बनवाते हैं तो हिंदुओं तुम्हारी शान शौकत रखने के लिए अवध में राम मंदिर भी बनवाते हैं और रामलला का मंदिर भी बनवाते हैं। और विकास के हर आयाम को हम पूरा करेंगे, हर लक्ष्य को पूरा करेंगे। भाई साहब हमारे पास 7 गांव हमारे भील गौड़ आदिवासियों के हैं जो इधर खड़े हैं। बड़ा ढोल भी लाए, आपको देखा नहीं हो आपने, आपका बड़ा स्नेह है। बारेला भी है 3-4 आपके क्षेत्र में भी है। इनकी कोई मांग नहीं है, 1 करोड़ रुपए की छोटी सी मांग है। इनने 4 एकड़ जमीन रोकी है, उसे एक खेल मैदान भी बनाना चाहते हैं और उसमें मामा टाट्या की प्रतिमा भी लगाना चाहते हैं। और वैसे तो आपने बहुत कुछ दिया है, अगर नरेंद्र मोदी जी को लाकर भगवान बिरसा मुंडा को बिरसा मुंडा के रूप में देश में पूजा अर्चना के लिए आपने तैयार किया है तो उसमें मोदी जी और आपका योगदान है। आपने ये परंपरा को निभाया है। किसानों को आपने 4000 दिए, 6000 मोदी जी ने दिए हैं। और हुजूर विधानसभा में लगभग हम 36000 लोगों को आपके मुख्यमंत्री जन अभियान के तहत लाभ दे रहे हैं। 36000 लोगों को, कोई गरीब बचेगा नहीं। मित्रों मांगे क्या जब बिना मांगे ही मिल रहा है, कि मांगना चाहिए कुछ? केवल एक छोटी सी मांग है, हमारे 3-4 हजार बच्चे सीएम हाउस आना चाहते हैं और वो फंदा खजूरी और बैरागढ़ संत हृदयराम नगर रोड पर जो आपने मौखिक आदेश तो दिए हैं, एक कॉलेज की मांग करना चाहते हैं पर वो यहां नहीं वहीं मिलके करना चाहते हैं। और आप जब भी टाइम देंगे वो वहां मिलने आएंगे। मैं इस अवसर पर हमारी लाडली महापौर आदरणीय मालती राय जी का स्वागत करता हूं, आप भी ताली बजाकर उनका स्वागत अभिवादन करें। हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय राम कुमार नवरंग गुजर साहब भी हैं पर भावी, उनका भी ताली बजाकर स्वागत करें। किशन सूर्यवंशी जी हैं, पूरे मंच पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तमाम जिला अध्यक्ष हैं, सबके लिए आप ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए। और मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि स्वागत तो आप अपने लाडले नेता का करिए, आप अपने मामा और भैया का करिए, किसान और मजदूरों के मसीहा का करिए, और गरीबों के लिए जो जीता है और गरीबों के लिए जो लड़ता है ऐसे मामा शिवराज सिंह चौहान का करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। अरे मजा नहीं आ रहा, पीछे छत वालों तुम भी हाथ उठाओ, छत पे बैठ गए तो क्या हुआ? बोलिए भारत माता की जय जय श्री राम। हाँ एक
भाई 45 करोड़ रुपए का सीएम सनराइज स्कूल भी मिला है हमको, ताली बजाओ। वो भी उसके भी टेंडर लग रहे हैं, वो भी बनाएंगे हम भर्राई में, उसकी भी जमीन हमारी आरक्षित हो गई। बहुत काम है, काम गिनो, हर गली मोहल्ले में काम है। आने वाले 5 साल में हुजूर का कोई भी गांव 2 लेन बिना नहीं रहेगा, हर गांव में 2 लेन सड़क होगी, हर गांव में स्ट्रीट लाइट के प्रबंध किए जाएंगे। ये आने वाला शहर है। हम नगर निगम कमिश्नर साहब से आग्रह करना चाहते हैं, अभी ये आपको फोर लाइन दिख रहा है, लेकिन हमारी देवखुटरी तक ये सड़क जाएगी। आप ये मानकर चलना कि इससे 13 किलोमीटर सीओर बचता है। यही सड़क आने वाले दिनों में 6 लेन बनेगी, और यही 6 लेन बनते हुए जहांगीराबाद को चीरते हुए पुराने भोपाल में से निकलते हुए सूखी सिमनिया से जाते हुए और जब सांची और सलामतपुर से विदिशा पहुंचेगी तो ये शहर की दूरियां लगभग 33 किलोमीटर कम करेगी। एक नई सड़क बनेगी। आने वाले दिनों में हम इसका प्रपोजल बनवाएंगे और फिर मामा जी के द्वार जाएंगे। हमें भरोसा है मामा जी इसकी स्वीकृति जरूर देंगे। देखो भदभदा से यहां तक बताओ तुम्हारी दूरी कम हुई कि नहीं? अरे अच्छा लग रहा है कि नहीं? भदभदा से यहां तक ऐसी सड़क आगे चाहते हो कि नहीं? और भाई साहब आपने लाल बसें भी दी, ताली बजाओ लाल बसों के लिए। गांव गांव जाने लगी। सरकार को कुछ नहीं होगा तो 50 से 55 करोड़ रुपए का घाटा है, लेकिन मामा शिवराज जी ने कहा कि मजदूर के बेटी किसान की बेटी अनपढ़ नहीं रहेगी, मामा घाटा बर्दाश्त कर लेगा पर बस तो बेटी के द्वार जाएगी। ये व्यवस्था मामा जी ने कराई, वो वहां तक पहुंची है, और इसलिए आने वाले दिनों में हम और आगे बढ़ाएंगे। आपका स्नेह चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। ये गरीब, ये मध्यम वर्गीय लोग, ये हिंदुस्तान की आवाज, ये भारत माता के लाडले सपूत आपके विकास में आपके साथ है, आपके गरीब उत्थान के कार्यक्रम में आपके साथ है, राष्ट्रभक्ति में आपके और मोदी जी के साथ है। और जो बेटियों के साथ छेड़खानी करता है उसके जब आप हाथ पैर तोड़ते हैं तब तो ये दोनों आसमान से आपके साथ हो जाते हैं, डबल उत्साह से आपके साथ हो जाते हैं। और इसलिए मजदूर किसानों की भलाई के लिए जो आपने काम किए हैं वो अनुकरणीय है, हम उनका बारंबार आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और एक बार हुजूर के लोगों दोनों हाथ उठाकर अपने मामा का फिर स्वागत कर दो, फिर अभिवादन कर दो, फिर अभिवादन, दोनों हाथ जोरदार ताली बजाइए जरा जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। आदर के साथ छोटे छोटे बच्चों के मामा, आप सभी के भैया शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, जोरदार तालियों से आइए स्वागत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आपके लोकप्रिय और लाडले विधायक, मध्य प्रदेश के जुझारू युवा नेता, जिनकी छवि आज विकास पुरुष की है और हुजूर को नंबर 1 विधानसभा बनाने में जिनने कोई कसर नहीं छोड़ी है, ऐसे अपने कर्मठ साथी हमारी बहन मालती राय जी नगर निगम की महापौर, बहन राम कुंवर नवरंग गुर्जर जी जिला पंचायत के अध्यक्ष, भाई किशन सूर्यवंशी जी अध्यक्ष नगर पालिका परिषद भोपाल, सभी हमारे पार्षद साथीगण, सरपंच, जनपद अध्यक्ष, हमारे बाकी सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी साथीगण और यहाँ उपस्थित, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है मुझे जनता ही जनता दिखाई दे रही है, नीचे भी है और ऊपर भी है। मेरे प्रिय बहनों भाइयों और भांजे भांजियों, मामा की सबको दोनों हाथ जोड़ के राम राम। आज का दिन नीलवड़ वालों ऐतिहासिक दिन है, आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा। वो लोग जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करते थे, वो लोग जो जनता का हक मारते थे, वो लोग जो गुंडागर्दी और दादागिरी करते थे, वो लोग 1 एकड़ 2 एकड़ नहीं, हजारों एकड़ जमीनें जिनने दबा रखी थी, और कांग्रेस की सरकार दिग्विजय जैसे नेता जिनको खाद और पानी देते थे, लगातार उन्हीं का साथ देते थे,
आज मुझे कहते हुए खुशी है, पूरे मध्य प्रदेश में मेरे बहनों और भाइयों 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है हमने गुंडों से। 21,000 एकड़ जमीन। अभी रामेश्वर जी कह रहे थे सज्जनों के लिए, फूल से ज्यादा कोमल हूं मैं, अपनी जनता का सेवक हूं, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं मैं। लेकिन गुंडे हो, बदमाश हो, दबंग हो, दादा हो, उनके लिए वज्र से ज्यादा कठोर हूं, छोड़ूंगा नहीं उनको। बोलिए छोड़ना चाहिए क्या? पीछे तक बताओ छोड़ना चाहिए क्या? जब हम गुंडों से जमीन छुड़ाते हैं तो वो रामधुन करने की बात करते हैं। सुन ले कमलनाथ और सुन ले दिग्विजय सिंह, सुन ले कांग्रेस के नेता, गुंडों को मामा किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। और इसलिए कोई इसरार खा, कोई पता नहीं कौन से खा, इन्हें जमीने दबा रखी, यही 40 एकड़ जमीन दबाई थी। क्यों, तुम्हारी जमीन थी क्या? घर का माल समझा था जो हड़प जाओगे। मैं जिला प्रशासन को, कलेक्टर कमिश्नर, पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूं, वो जमीन गुंडों से हमने छुड़ाई 40 एकड़ नीलवर के पास यही कहीं। और आज हमने फैसला किया गुंडों से छुड़ाएंगे और वहीं गरीबों के मकान बनाएंगे। पीछे तक मैं पूछना चाहता हूं, यहां भी बताना, बताओ मामा को गरीबों के मकान गुंडों की जमीन पर बनाना चाहिए कि नहीं? और आज मैं फिर कह रहा हूं, जो 21,000 एकड़, अब तो 23,000 एकड़ हो गई है, छुड़ाता जा रहा हूं, पता नहीं चाकू छुरी कट्टे बम डराते थे। मैंने कह रखा है पुलिस से, पुलिस कमिश्नर हो, SP हो, IG हो, तोड़ दो ऐसे लोगों को, छोड़ना नहीं है इन किसी को, जनता का हक छीनते हैं। और आज पहली जमीन हमने आवंटित की है, जो छुड़ाई है हमने गुंडों से दबंगों से, उस पर मकान बनाने के लिए। अब जगह जगह हर शहर में दबंगों ने जो जमीन दबाई थी उस पर मकान बनाए जाएंगे। अरे कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। ये मामा का राज है, मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें यहां हुजूर में सेवा करते हैं रामेश्वर शर्मा। ये कांग्रेस बरसों तक ऐसे लोगों को खाद और पानी देती रही, ये नेताओं मंत्रियों के चक्कर लगाते थे, उनके खास बने रहते थे, कहीं मुर्गा कहीं पार्टियां, पता नहीं क्या क्या करते थे। अब ये नहीं बचने वाले, इसलिए मैं कह रहा हूं ये ऐतिहासिक दिन है। सरकार आपकी, मेरे बहनों, रामेश्वर जी अभी कह रहे थे हमने तय किया, यहां कलेक्टर है कमिश्नर है, आपको आपके अधिकार के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। हमने तय किया CM जनसेवा अभियान, और उस अभियान के अंतर्गत भोपाल में भी हर वार्ड में शिविर लगाए, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों में शिविर लगाए। बताओ लगे कि नहीं? सरपंच बैठे होंगे और कहते हो खुशी है 37,000 नए 37,000 नाम जोड़ दिए। जिसको राशन नहीं मिलता था उसको राशन मिलेगा, जिसके पास उजला रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था उनको रसोई गैस कनेक्शन मिलेगा, जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने थे उनके आयुष्मान कार्ड बनाए गए। कलेक्टर यहां बन गए कि नहीं सबके? और जल्दी बांटने वाले हैं, अगले महीने से 38 योजना है ऐसी, 38 योजना जिनका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, कांग्रेस गरीबों को खाती थी, उनके हक छीनती थी, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई गरीब ऐसा रह गया हो जिसको फ्री में राशन नहीं मिलता हो, तो चिंता मत करना, अभी भी आवेदन दे देना,
अगर गरीब है तो उसका नाम जोड़ दिया जाएगा, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भूखा नहीं रहेगा। बोलो, हर गरीब को राशन मिलना चाहिए क्या नहीं? पीछे तक बताओ, मिलना चाहिए क्या नहीं? कांग्रेस ने दिया था सबको, पीछे तक बताओ दिया था क्या? गरीब को राशन उजरा। और एक बात और है कलेक्टर कमिश्नर, अगर किसी बेईमान ने, बड़े आदमी ने बनवा लिया हो उसकी भी जांच कर लो। अरे कोई गड़बड़ ना बनवा लिया तो कटना चाहिए कि नहीं? बोल के बताओ, कटना चाहिए कि नहीं? गरीब का हक गरीब को, या जांच करवा लेना। पता नहीं इसरार फिसरार टाइप के लोग, पता नहीं कितने लोगों के बनवा बनू दिए हो। तो गड़बड़ बने हो तो काटो, और सही बने हो और रह गए हो तो उनके जोड़ो। गरीब की सरकार, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन से लेके आयुष्मान कार्ड से जितनी चीजें घर पर बना के देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। आज का दिन इसलिए भी खुशी का दिन है कि पूरे क्षेत्र में 96 गांव, मेरी माताओं मेरी बहनों, रामेश्वर जी सही कह रहे थे, हैंडपंप पे पानी भर भर के हालत खराब हो जाती थी। हमारी बेटियां, बेटे को तो पानी भरने भेजती नहीं थी, बेटियों को भेजती थी कि जा पानी भर ला। हैंडपंप पे दिन दिन भर केवल पानी भरती रहती थी। आज मुझे खुशी है मेरी बहनों, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सौगात, पाइपलाइन बना के बिछा के और जो पानी तुम्हारी कुर्बानी से इकट्ठा होता है इन डैमों में, वहां से खींच के घर में टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झर झर पानी आएगा, गुंड गगरा बर्तन जो भी हो सब भर जाएंगे। मेरी बेटियां पढ़ाई में लगेंगी, पानी के काम में नहीं लगेंगी। इसलिए ऐतिहासिक एक नहीं, कई अलग अलग तरह के प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने अंग्रेजी का गुलाम बना दिया था। अरे गांव में रहने वाले किसान भाइयों, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों, गरीब बहनों और भाइयों, पढ़ाई कायम होगी, बड़ी पढ़ाई अंग्रेजी में। अब मुझे बताना, अंग्रेजी में मेडिकल की पढ़ाई होगी तो हमारे बच्चे डॉक्टर बन पाएंगे क्या? जोर से बताओ, बन पाएंगे क्या? इंजीनियर बन पाएंगे क्या? अरे अंग्रेज चले गए, कांग्रेस ने अंग्रेजियत लाद दी। ये कुछ मुट्ठी भर लोगों का षड्यंत्र था। बड़े बड़े लोग वो चाहते थे गरीब किसान और मध्यम वर्गी भाई बहनों के बेटा बेटी बड़े पदों पर नहीं पहुंचे, इसलिए अंग्रेजी अनिवार्य कर दी और अंग्रेजी का ऐसा माया जाल फैला दिया कि टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने में ही लोग समझने लगे कि बाल बड़ा इंप्रेशन पड़ेगा। और चाहे अंग्रेजी आए चाहे नहीं आए, हेलो हाय हाउ डू यू डू, चाहे डूडू के अलावा आए चाहे नहीं आए, अंग्रेजी बोले इंप्रेशन पड़ता है। मेडिकल का एक बच्चा एडमिशन फर्स्ट ईयर में हुआ और पढ़ाई छोड़ के पहले साल भगाया। मैंने कहा क्यों छोड़ी? बोले मामा मर गए, अंग्रेजी समझ में नहीं आती, एना मासी टीटी घरे टुकरिया पीटी पल्ले ही नहीं पड़ रहा तो भग गया है। और हमने तब तय कर दिया ये क्रांति है, सामाजिक क्रांति। समझना मेरे बहनों और भाइयों, कभी कांग्रेस ने सोचा? मेरे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय कर दिया है कि मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, हिंदी में। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? हमारे बच्चे आगे नहीं पढ़ पाए इसलिए तुमने अंग्रेजी ला दी। अरे जर्मनी में पढ़ाते हैं, जापान में जापानी में पढ़ाते हैं, चीन में चीनी में पढ़ाते हैं, फ्रांस में फ्रेंच में पढ़ाते हैं, तो भारत में अंग्रेजी काय को? ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये महादेव का देश है, यहाँ हिंदी चलेगी, यहाँ हिंदी चलेगी। और तो इतिहास रचाए, सारी चीजें बदल डालेंगे, चिंता मत करो। हम कांग्रेस की तरह सरकार नहीं चलाएंगे, बुनियादी और क्रांतिकारी परिवर्तन कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, कई दुष्ट ऐसे हैं जो बेटियों को गलत नजर से देखते हैं। मुझे कहते हुए गर्व है, मध्य प्रदेश और हमने तय किया है, और मैं डंके की चोट कहता हूं, बिटिया को गलत नजर से देखा,
बहन को गलत नजर से देखा, दुराचार करने की कोशिश की, तो केवल जेल नहीं जाएगा, मामा का बुलडोजर भी चलेगा, तोड़ के धर देंगे। लोग कहते हैं और ये कर क्या रहे हो, तोड़ काहे को रहे हो, बताओ तोड़ना चाहिए कि नहीं, पीछे तक बताओ तोड़ना चाहिए कि नहीं, ऐसे बदमाशों को कैसे छोड़ देंगे। और मध्य प्रदेश में हमने मध्य प्रदेश की धरती पर कानून बनाया कि ऐसे लोगों को सीधे फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। एक स्कूल बस में वो जरा प्रबंधन निबंधन को भी देखना भाई, छोड़ना छाड़ना नहीं है इनको, ये बदमाश लोग। एक स्कूल बस में बेटी के साथ बदतमीजी हुई, कौन सा पसा पता नहीं मुझे कौन सा, लेकिन उसमें सीधे 3 महीने के अंदर दोनों को सजा होकर जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। बदलना है मेरे बहनों और भाइयों, ये आपकी सरकार है, मोदी जी नेतृत्व देश का कर रहे हैं, मैं आपका सेवक हूं। और इसलिए एक तरफ गरीब किसान के लिए अनेकों योजनाएं, उनका बहुत विस्तार से मैं आज जिक्र नहीं कर रहा, और दूसरी तरफ विकास के काम। देखो ना मेरे बहनों और भाइयों, सरकार का पैसा गरीब किसान मध्यम वर्गीय परिवारों के जिंदगी सुधारने में लगना चाहिए। जब उनकी सरकार थी तो कमलनाथ कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरविंद का मामा नहीं, औरंगजेब हो गया रे, खजाना खाली कर गया। लेकिन आज रामेश्वर आपको बता रहे थे, मैं फिर कहना चाहता हूं, मामा के खजाने में जनता के लिए पैसे की कमी नहीं है। और इसलिए चाहे सड़कों का निर्माण हो, 40 करोड़ की एक शानदार सड़क, बाकी छोटी छोटी सड़कें वो भी बनाई जा रही है, 4 लेन बन रही है, 2 लेन बन रही है, स्ट्रीट लाइटें लग रही है, पीने का पानी आ रहा है। और एक बात और सुन लो, यहां प्रशासन भी है, कई गरीब मध्यम वर्गी जहां मिला छोटा मोटा प्लाट खरीद लिया, अब खरीद के मकान बना लिया, जब मकान बन गया तो फिर अधिकारी कर्मचारी आए, ये तो अवैध है अवैध। अरे भैया, जिंदगी भर की कमाई लगा के छोटा मोटा प्लाट खरीद के अगर मकान खड़ा कर दिया तो अब आए हो कहने अवैध है। मैं आज साफ कह रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए कह रहा हूं, ऐसी जितनी भी अवैध कॉलोनी है जहां अपनी मेहनत की कमाई लगा के लोगों ने अपना आशियाना बना लिया, घर बना लिया, वो सारी वैध कर दी जाएगी, सारी वैध की जाएगी, बताओ होना चाहिए कि नहीं, इधर वाले ही बताओ होना चाहिए कि नहीं। आगे अवैध ना बने, इसकी चिंता करें, विधिवत बने, व्यवस्थाओं के साथ बने, लेकिन पुरानी जितनी अवैध है वैध करके, भाव बिजली का कनेक्शन हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे रोड का इंतजाम हो, सब किया जाएगा। और सीवेज भी, अरे तुम्हारे लिए तो मामा है, काय की चिंता फिरता करते हो। और एक बात गांव वाले भी सुन ले मेरे भाई, किसानों की कई योजनाएं उन पे आज जिक्र नहीं कर रहा, 4,000-6,000 के अलावा 0% ब्याज और बाकी सारी चीजें आगे भी करेंगे, चिंता काय को करते हो, वो तो मिल ही रहा है, 4 और 6 तो मिल ही रहा है, आगे और देखो क्या क्या होता है, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं। देखो उनके पास कुछ नहीं है, चुनाव आता तो कहते ये फ्री दे देंगे, कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता 4,000 दे देंगे, कोई को दिया था क्या बता दो, ढेला नहीं दिया, ये वोट काटू लोग हैं, वोट की फसल काट लेते, लेकिन हम देते हैं। एक बात और, गांव में भी जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, सुनो मेरे बहनों और भाई, एक बाप के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए, उनकी बहुएं आ गई, अब घर में रहने की जगह ही नहीं बची, तो बताओ इनके पास रहने की जगह होनी चाहिए कि नहीं, पीछे तक बताओ होनी चाहिए कि नहीं। और इसलिए 4 जनवरी को मैं अभियान शुरू कर रहा हूं,
सारे आवेदन हमने बुलाए हैं, ऐसे गरीबों को गांव में फ्री में रहने का पट्टा देके जमीन दी जाएगी। बोलो मिलना चाहिए, तो बोलिए भारत माता की। अरे गुंडों को थोड़ी दूंगा तो आपको दूंगा, आपको बांटूंगा ना। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, जहां जहां जमीनें हैं देखेंगे, गरीब को रहने के लिए देंगे। यहां भी आवेदन आए, यहां भी दी जाएगी, यहां भी देंगे गांव में। और एक बात और, शहरों में जो जा रह रहे हैं, मैं नए कब्जे की बात नहीं करता भा, उनको मकान बना के पक्का देने की योजना प्रारंभ की जाएगी, ताकि गरीब भी तो कहीं रहे। देखो जिंदगी बदलना है गरीब की, जिंदगी बदलना मध्यम वर्गीय की, जिंदगी बदलना है किसानों की, भविष्य बनाना अपने बच्चों का। मेरे भांजे भांजियों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, और उनके माता पिताओं ये सुन लाना, हमने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए ये तय किया है कि अगर हमारे बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, 12वीं में 75% नंबर लाते हैं, तो मामा लैपटॉप तो दिलवाए गई, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भी मामा ही भरवाएगा। चाहे प्राइवेट कॉलेज में हो, आप भी जरा बच्चों के लिए सुन लेना, जरा ध्यान से सब जगह प्रचार करना, कितने ही पैसा लग जाए छोड़ूंगा देंगे। एक कॉलेज की फीस अगर 10-20 लाख रुपया साल भी होगी, तो मम्मी पापा नहीं, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। पढ़ने दो, पढ़ने दो, गरीब मध्यम वर्गीय किसान के बेटा बेटियों को, उनको भी आगे बढ़ने दो। इसलिए फीस का इंतजाम भी। और मेरे बच्चों, 1 लाख सरकारी नौकरियों पर भर्ती निकल चुकी है, भरो फार्म, दे आवेदन, सरकारी नौकरी में भी भर्ती करूंगा, और सरकारी के अलावा स्वरोजगार की योजना का लोन देके तुम्हारा काम और धंधा भी शुरू करवाने में पूरी मदद की जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबसे आज ये निवेदन करना चाहता हूं, रामेश्वर शर्मा ने विकास का नया इतिहास रचा, एक बार ताली बजा के स्वागत। जुझारू नेता बहुत कम होता है जो अपने क्षेत्र की जनता के लिए जीता और मरता है। अभी एक बात इन्होंने कही है, एक तो मैंने कही दी लाइट वाली, दूसरी कही है टंटा मामा की प्रतिमा लगाने की यहां पे, और लगभग 1 करोड़ रुपया के बाकी चीजें बताइए। मैं टंटा मामा की मूर्ति भी स्वीकृत करता हूं, लगाई जाएगी और उसका विकसित किया जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज दिल से आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं, देखो मैं ये सब कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, लेकिन इन सब कामों को ठीक से चलाने के लिए गांव गांव में आपका साथ मुझे चाहिए, हर वार्ड में आपका साथ चाहिए। बोलिए सबका साथ मिलेगा। देखो जब कोई बदलाव लाते हैं, कोई परिवर्तन करते हैं, कोई क्रांति लाते हैं, तो 17 दुश्मन खड़े होते हैं, वो जिनके हितों को चोट पहुंचती है। ये मेरी लड़ाई उनसे है जो गरीबों का हक छीनने वाले हैं, उस लड़ाई में मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका साथ मिलना चाहिए। बोलिए मिलेगा। आओ मेरे बहनों और भाइयों, एक नई क्रांति करें, जनता को उसका हक दिलाने की क्रांति, सरकार जनता के लिए चलाने की क्रांति, नौजवानों का बेहतर भविष्य बनाने की क्रांति, बेटी बच्चियों को आगे बढ़ने, हम लाडली लक्ष्मी जैसी आगे बेरोक टोक बढ़ने की क्रांति। आओ बदल दे मध्य प्रदेश, ये जमाना बदल के जनता के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं बना के रामराज की कल्पना को साकार करेंगे। और इसलिए महाकाल महालोक बन रहा है, सलकनपुर में देवी लोक बन रहा है, एक नहीं कई ऐसे काम भी हो रहे हैं। आओ मेरे बहनों और भाइयों, अगर मैं अच्छा और सच्चा हूं और आपको लगता है कि मामा का साथ देना चाहिए, रामेश्वर का साथ देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ देना चाहिए, मोदी जी का साथ देना चाहिए, तो आज संकल्प लेंगे कि मामा अकेले नहीं हो,
हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। बोलिए सबका साथ मिलेगा। ऊपर मकानों वालों ही बताओ सबका साथ मिलेगा। आइए एक नई क्रांति की शुरुआत करें। मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीऊंगा तो आपके लिए और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत 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 धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए सादर आमंत्रित हैं माननीय महापौर गोपाल श्रीमती मालती राय जी। दो सौ 15 करोड़ के भूमि पूजन में उपस्थित हमारे जन नायक मध्य प्रदेश के जानदार शानदार मुख्यमंत्री जिन्होंने जनता के लिए हर एक मोड़ पर विकास की गंगा को बहाया है, ऐसे सम्मान्य मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हुजूर के विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी का, जो कि जनता को सुविधा देने के लिए हर मुकाम पर विकास की गंगा को बहा रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करती हूँ नगर निगम के अध्यक्ष भाई किशन सूर्यवंशी जी का। मैं आभार व्यक्त करती हूँ MIC के सदस्य रविंद्र यति जी का, राजा सिंगोरानी जी का, छाया ठाकुर जी का, समस्त पार्षदों का। मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिला पंचायत की अध्यक्ष हमारी बहन का, समस्त पार्षदगण, समस्त भारतीय जनता पार्टी के नेता उपस्थित, मंचा सिंह, सभी नेताओं का, वरिष्ठों का, कोने कोने से आई हुई हुजूर विधानसभा के क्षेत्र की जनता का, मीडिया के बंधुओं का। मैं आभार व्यक्त करती हूँ प्रशासन का, पुलिस विभाग का, नगरीय निकाय का। मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय कलेक्टर साहब की टीम का, समस्त यहाँ बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोले भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के दोनों विकास पुरुषों से प्रभावित होकर